हर कार्य को वह करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको जानना चाहता है, ठीक है। तो कभी वह चाहता है कि स्कूल का हेडमास्टर बने, है ना। तो इस प्रकार से वह हमेशा अलग अलग जो है सपने देखा करता है। तो कभी जादूगर बनने का, या फिर क्या बनने का, डॉक्टर बनने का, है ना, चपरासी बनने का। तो इस प्रकार से लेखक ने अपने बचपन की उन अजीब तथा मजेदार इच्छाओं को इस व्यंग्य का विषय बनाया है। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, एक किशोर के मन में उम्मीदों की एक असीम उड़ान होती है। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते देखता है, बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर हमेशा क्या होता है, आकर्षित होता है। आप सभी आकर्षित होते हैं, कभी पुलिस को देखते हैं तो पुलिस बनने का मन करता है ना। कभी शिक्षक को देखते हैं तो शिक्षक बनने का मन करता है। तो उसे और अधिक जानने का, समझने का, और उसको क्या करना चाहता है, सहेजना चाहता है। तो उन कार्यों या घटनाओं के और भी जो उसको अनुभव होते हैं, तो इस प्रक्रिया से वह क्या करना चाहता है, हमेशा गुजरना चाहता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर लेखक जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, वो बता रहे हैं कि सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह से प्रभावित हुआ था वह कौन था, पेंटर। कौन था, पेंटर। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो लेखक हैं वो सबसे पहले किससे प्रभावित हुए थे, पेंटर से। तो वह बता रहे हैं कि उनकी गांव में पेंटर एकमात्र, से हाँ, फट्टा नई नई टॉकीज खुली थी, और अपनी उसकी लंबी जुल्फों वाले गांव के एक नौजवान जो है वहां पर क्या बन गए थे, क्या बन गए थे, गेट कीपर। क्या बन गए गेट थे, गेट कीपर। फिर जो है वह पांचवी कीपर। क्लास में पढ़ते थे, तो है ना। और यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि मैं अपने पिद्दी जीवन की पहली टॉकीज देखी थी। पिद्दी मने छोटा तुच्छ, ठीक है, पिद्दी मतलब छोटा तुच्छ। और लेखक कहते हैं कि मैं तो उसके पीछे पागल हो गया था, दीवाना हो गया था। और मैं स्कूल से भागकर क्या करता था, टॉकीज पर घंटों खड़ा घंटों बैठा रहता। कर अक्सर कुछ विद्यार्थी ऐसा करते हैं ना, स्कूल से भागकर कहीं दूसरी जगह वो चले जाते हैं जहां उनका मन करता है। और लेखक जो है नई फिल्म के बोर्ड बनते हमेशा वहां देखते रहता। तब जो लेखक है गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर वो और कुर्बान था, जिस पर मर मिटता था, वह क्या था, फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। तो फिल्म हर 2-3 दिन में क्या होता है, टॉकीज में बदल जाती है। तो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहां बैठा हमेशा क्या करता था, पोस्टर बनाता रहता था। और लेखक कहते हैं कि मैं उसकी किस्मत पर क्या करता था, रस का करता, और सोचता कि मैं बस जीवन भर क्या करूंगा, बोर्ड बनाऊंगा। तो यहाँ पर, बोर्ड बनाऊंगा। हाँ, रस का अर्थ है बच्चों किसी को अच्छी दशा में देखकर उसे क्या होना, कुढ़ना या जलन की भावना होना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ, किससे प्रभावित हुआ बच्चों, लेखक सबसे पहले किसे प्रभावित हुए, पेंटर से, ठीक है। हाँ, आप जो है लेखक को, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ, क्या भाव आए थे उसके अंदर पेंटर को देखकर। मैं को हाँ इंटर पेंटर हाँ बनने का इच्छा कोई आया एक बच्चे था बोलेगा। और हाँ बोर्ड दिन भर बोर्ड बनाऊंगा। हाँ उसके मन में यह बात आती थी हमेशा कि पेंटर का काम कितना अच्छा है, बोर्ड बनाओ और दिन भर क्या करो, टॉकीज पर रहो। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस व्यंग्य में। अब यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि क्या मस्त जीवन है ना, बोर्ड बनाओ और क्या करो, दिन भर टॉकीज पर रहो। परंतु लेखक ने देखा कि उसी पेंटर को टॉकीज के किसके सामने, मैनेजर के सामने 10 रुपए एडवांस के लिए, पैसे के लिए, उन्होंने क्या देखा, गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए उसके सामने, ठीक है। तो उसकी इस दुर्दशा को देखकर जो है लेखक का जो भ्रम था पेंटर बनने का, है ना, उसने जो सपना देखा था वो भ्रम क्या हो गया, उसका सपना वहीं पर टूट गया। अब यहाँ पर लेखक ने तय कर लिया कि मैं क्या नहीं बनूंगा, पेंटर नहीं बनूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब जो लेखक है वो आगे और क्या बनना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लेखक को लगने लगा कि जिंदगी तो बस किसकी है, गेट कीपर की है ना, और बाकी जो मनुष्य है वो तो कैसा जीवन जीते हैं, पशुओं जानवरों की तरह जीवन जीते हैं।
लेखक कहते हैं कि गेट कीपर की भी क्या शान है यहाँ पर। तीनों शो कैसा देखते हैं, क्या सोच रहे हैं वो कि जो टॉकीज में 300 होता है उसको वो हमेशा क्या देखते हैं, मुफ्त में, फ्री में देखते हैं। तो इस प्रकार से लेखक को लगने लगा कि यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी। कोई मनुष्य 300 फिल्म रोज क्या देखे, मुफ्त में देखे, है ना। तो इस प्रकार से लेखक ने क्या तय कर लिया, अब क्या बनने का सोच लिया लेखक ने, गेट कीपर, हाँ गेट गेटकीपर। कीपर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ना, व्यक्ति को देख रहे हैं आप। तो अब लेखक का जो मन है गेट कीपर बनने का हो गया। अब इधर बहुत सारे लोगों को देखकर अलग अलग उसके मन में आने लगा कि मैं ये बनूंगा ये बनूंगा, है ना। तो इस तरह से उसकी जो पढ़ाई है वो भी क्या हो रही थी, खराब होने लगी, है ना। और इस तरह से लेखक जो है फटेहाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था। फटेहाल का अर्थ है बच्चों यहाँ पर विपन्न, जो गरीबी की स्थिति में हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है उसने क्या किया था, लेखक को अनाथ समझकर उस शो वाले ने क्या कर रख लिया था, बच्चे को गेट कीपर के काम पर रख लिया था। आप दूसरे दिन जिस आदमी का पहला टिकट है ना, उस लेखक को फाड़ने का अवसर मिला, वो कौन थे, कौन थे, उसके उनके पिताजी थे, है ना। अब आप जानते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, पिता माता पिता क्या करते थे, गलती करने पर हम सबको डांटते थे, मारते थे, पीटते थे हमारी गलती पर, है ना। तो इस तरह से उसके पिताजी ने उसको मारा, और उन्होंने मैनेजर को भी मारा, वहां पर दो गेट कीपर खड़े थे उनको भी मारा, और मारते मारते फिर उसको घर ले आए। तो टॉकीज का मैनेजर जो है लेखा के पिता से हमेशा क्षमा मांगते रहे, है ना। लेकिन उस क्योंकि उसको पता नहीं था कि यह जो उसके पिताजी है वो कौन है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब है, और ये जिसको हमने गेट कीपर के काम पर रखा है वह उसका लड़का था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए बच्चों कि लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के पिता थे, लेखक थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे कि हेडमास्टर थे, क्या थे, डॉक्टर डॉक्टर थे, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है लेखक जो है इधर उधर बनने की चाह रखने के कारण, है ना, क्या हो गया, अब उस समय वो 6वीं कक्षा की जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें उसका ध्यान भटकने के कारण वह फेल हो गया। अब उसके कारण क्या हुआ, उसकी पिटाई हुई। इस प्रकार से जो है उसके मन से गेट कीपर बनने का जो भूत उसके सर पर चढ़ा हुआ था वो भी क्या हो गया, वहां पर उतर गया, है ना। आप जो है वह अपनी पढ़ाई में मन लगाया, और उसे धीरे धीरे उसके बाद लगने लगा कि मुझे अब क्या बनना चाहिए। अब उसने क्या सोचा, क्या बनने का सोचा, हेडमास्टर। हेडमास्टर बनने का सोचा। आपने कभी सोचा है अपने स्कूल के हेडमास्टर को देखकर कि मुझे भी हेडमास्टर बनना है, सोचा है आपने कभी, ऐसा ख्याल आया आपके मन में, आया है। चलिए देखते हैं। आप जो है अब उसको लगने लगा कि दुनिया का सबसे रुआबदार जो पेशा है, धंधा है, वो उसे क्या लगने लगा, हेड मास्टर का, है ना। आप उसको लगता था कि इसमें बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुबह सुबह क्या करो, प्रार्थना के समय मूंछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ, और फिर प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को क्या करो, तबीयत से झापड़ रसीद करो, और अपने कमरे में जाकर आराम से ठाट से बैठ जाओ, है ना। अब उसको लगने लगा कि बस इसमें तो कुछ काम नहीं है, बीच बीच में कमरे से निकलकर इधर उधर क्लास के बच्चों पर देखो, उनको चिल्लाओ डांटो, और उसके बाद शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर क्या करो, रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर की ओर चले जाओ। अब यहाँ पर लेखक ने एकदम ठान लिया, तय कर लिया कि उसे तो अब अपनी जिंदगी में क्या बनना है, हेडमास्टर ही बनना है। हेडमास्टर चलिए देखते हैं हेडमास्टर बन पाते हैं कि नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हेडमास्टर बनने का उसने सोचा, और वह इसी सोच में फिर नकली मूछों की तलाश में कहाँ घूमने लगा, बाजार में। फिर इसी बीच एक बार जो है उसके स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी दौरे पर आए, और वहां पर उस जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या किया, हेडमास्टर को सभी बच्चों के सामने क्या किया, डांटा, उसको फटकारा। तो इस तरह से उसका जो हेडमास्टर बनने का भूत सवार था वो भी क्या हो गया, यहीं पर समाप्त हो कर गया, गया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेखक आगे क्या बनना चाहते हैं। अब जो है लेखक ने
हेडमास्टर बनने की जो इच्छा है उसको भी क्या कर दिया, त्याग दिया। अब उसके मन में क्या बनने का आया, क्या बनने का आया? हाँ, स्कूल की घंटी बजाने वाले, हाँ, चपरासी बनने की ठानी। अब उसको लगने लगा कि जिंदगी तो किसकी है, इस घंटी बजाने वाले चपरासी की है। जब चाहो क्या करो, मनमर्जी स्कूल की घंटी बजाओ और स्कूल की छुट्टी कर दो, ठीक है, और बाकी टाइम में बैठकर क्या करो, बीड़ी या सिगरेट पीते रहो, है ना। अब उसको लगता था कि चपरासी की नौकरी में क्या होगा, बीड़ी पीने से यहाँ पर उसको धूम्रपान करने से कोई भी यहाँ पर नहीं रोकेगा, ठीक है। लेकिन उसने आगे बताया कि एक बार जब वह छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहे थे, है ना, तो उन्होंने, उसके पिताजी ने उसको क्या कर लिया था, पकड़ लिया था और मारपीट पर उतर आए थे। इसका मतलब उसको डांटा था, मारा था सिगरेट पीने के कारण, है ना। लेकिन उस समय लेखक को बुरा लगा था, लेकिन ये बात उसको बाद में कब समझ में आई कि वो गलत था, जब उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, तब उसको सिगरेट पीने की जो हानियां है वो उसको यहाँ पर समझ में आया कि पिताजी मुझे सिगरेट या बीड़ी पीने से क्यों मना करते थे, ठीक है। लेकिन उसको फिर भी लगता था कि इन सभी में क्या है, चपरासी बनने में लाभ ही है, और हम वो क्या पर सोचने लगा कि मुझे तो अब घंटी बजाने वाला चपरासी ही बनना है। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसका ये सपना पूरा होता है कि नहीं होता है। आपको क्या लगता है, उसका चपरासी बनने का सपना पूरा हुआ होगा, उसने जो सोचा था? अच्छा, तो उसने फिर देखा कि घंटी वाले को, जो स्कूल का घंटी बजाने वाला चपरासी था, उसको क्या कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी जो नौकरी है वो 20 वर्ष के बाद भी क्या थी, कच्ची थी, पक्की नहीं थी, है ना। और उसकी जगह पर एक नया आदमी आ गया था काम करने के लिए, जो कि हेडमास्टर के घर का सारा काम मुफ्त में करते थे, उसके घर में मुफ्त में वो पानी भरा करते थे, है ना। अब वह बहुत रोया पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, है ना। उसने गिड़गिड़ाया कि मुझे नौकरी से मत निकालो, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी। और यहाँ पर इस दुर्दशा को देखते हुए चपरासी, है ना, क्या हुआ, लेखक क्या, जो चपरासी बनने का, स्कूल का घंटी बजाने वाले का सपना बनने का सपना भी क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न है बच्चों आपके लिए, कि घंटी बजाने वाले को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया, बजाने वाले, क्योंकि उसका, हाँ, कुछ और बच्चे बोलिए, एक बच्चे है ना, हो गए, बिल्कुल निकाल दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब जो है उसका सपना फिर से टूट गया, स्कूल का चपरासी बनने का। अब उसे क्या लगने लगा, लेखक को, कि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की क्या बना देता, चटनी बना देता, है ना। परंतु मैं, वो क्या था, लेखक जो है बहुत ही दुबला पतला था, है ना। तो जब वह पिकनिक पर जाते थे तो क्या करते थे, बनियान या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाते, क्योंकि सिकिया काठी को देखकर, सिकिया काठी माने दुबला पतला, है ना, उसके जो दोस्त है उसको हंसते थे, इसलिए वो बनियान कमीज पहनकर ही नदी में नहाने उतरते थे। फिर भी उसने क्या किया, अपने शरीर को सुडौल बनाने का उन्होंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। तभी उसके जो दादाजी है वो गांव से आते हैं, और उसके दादाजी क्या थे, अंग्रेज के समय के अड़ियल क्या थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उसके दादाजी क्या थे, उसके दादाजी अड़ियल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, है ना। अब उनके कहने पर ही लेखक ने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी, है ना, क्योंकि उसको ये लग रहा था, है ना, कि ऐसा करने से भी व्यक्तित्व पहलवान जैसा हो जाता है, वो पहलवानों की भांति दिखाई देगा, है ना। तो दो तीन दिन तो वह ठीक ठाक दौड़ने लगे समय पर, है ना। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, एक मरियल सा मरा हुआ, ऐसे ही दुबला पतला फुर्तीला एक कुत्ता जो है उसके पीछे पड़ गया। जब कुत्ता आपके भी पीछे पड़ जाता है तो आप डर जाते हो ना, और दौड़ने लगते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब कुत्ता दौड़ाने लगता है तो लेखक क्या करते हैं, आइए आगे देखते हैं। उससे पहले एक प्रश्न है आपके लिए, कि पहलवान बनकर लेखक किसकी चटनी बनाना चाहता है, बच्चों की, पहलवानों की, अन्याय करने वालों की, या फिर न्याय करने वालों की, किसकी चटनी बनाना चाहता है? करने वालों की। हाँ बिल्कुल सही, अन्याय करने वालों की। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब उसने सोचा कि कुत्ता जो है उसने मुझसे प्रेरणा ली है या उसके दादाजी से, है ना। उसके लगने लगा कि ये भी क्या होगा, पुलिस में जासूसी कुत्ता रहा होगा, है ना। अब वो सोचने लगा थोड़ा। होगा। अब जो लेखक है वह कुत्ता से बचने के लिए बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा। आप भी दौड़ते हो ना, और वह दौड़ता ही रहा, है ना। अब जब एक सड़क के किनारे, कब बचा हुआ, जब उसको सड़क के किनारे एक सटा हुआ क्या मिला, गड्ढा मिला, है ना। अब उसको लगने लगा कि कुत्ता भी कुछ मजाकिया किस्म का है ना। वह गड्ढे के किनारे तक आकर जो है मुंह बनाकर बार बार उसको भौंकता रहा, और उसको ऐसा लग रहा है कि भौंक भौंक कर वह हंस रहा है मुझ पर। और उस प्रकार से जो कुत्ता है वह वापस चला गया। अब लेखा कह रहे हैं कि मैं राणा सांगा की तरह यहां वहां से घायल हो गया, क्योंकि वह दौड़ ही रहे थे। अब लंगड़ाते हुए, कैसे भी करते हुए, वो घर की ओर लौटने का उन्होंने तय किया। और उसने सोचा कि पहलवानी में शरीर की तोड़फोड़ के कई अवसर रहते हैं, लेकिन जो लेखक है वो लड़ाई झगड़े या तोड़फोड़ के खिलाफ थे, ये उसको पसंद नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने क्या किया, अब पहलवान बनने का भी इरादा क्या कर दिया, त्याग दिया, त्याग दिया, त्याग छोड़ दिया। दिया। चलिए अब देखते हैं लेखक क्या बनने की सोच रहे हैं। अब इसी बीच जो है गांव में क्या लगा, मेला लगा। आपके गांव में भी मेला लगता है, मेला लगता है। यस हाँ, मैम, तो वहां पर क्या क्या होता है मेले में, क्या क्या होता है मेले में? कुछ जी झूला होता है, हाँ, झूला। और जादू यस वाला भी आता है, जादू दिखाने, देखा है आपने? मैम, अच्छा, मजा आता है जादू दिखाते हैं तब। यस मैम। चलिए, आप उसमें एक जादूगर के खेल के क्या होने लगे, बहुत चर्चे होने लगे, है ना। आप उसको जो है पहलवानी की याद में, जो दौड़ते दौड़ते उसे जो चोट लग गई थी उस पर उसने मलहम का लेप लगाया, और जादूगर का जो है खेल खेलने के लिए तंबू में घुस गया। ठीक है, अब उसको लगने लगा कि वाह क्या खेल था, जादूगर ने तो बहुत बढ़िया जादू दिखाया। अब उसने क्या तय कर लिया कि अब मुझे अपने जीवन में क्या बनना है, क्या बनना है, अब मुझे जादूगर जादूगर बनना है। क्यों जादूगर बनना चाह रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता है और पानी की क्या हो जाता है, चाय बन जाता है ना। उसने कागज चुर्रेट बोल बोलकर कागज के क्या बना दिए, जादूगर ने क्या बना दिया, नोट बना दिया। कागज के क्या बना दिया, नोट बना दिए। लड़के को बकरा बनाया, है ना, लड़की को हवा में उड़ाया जादू से, ठीक है, और लड़की को खाली हाथ हवा में में हवा उड़ाया, से खाली क्या हाथ कर में दिया, हुआ जादू से लड्डू पैदा लड्डू किया। और खाली डिब्बे में से क्या निकाला उसने, खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। और इस पैदा प्रकार से जो है लेखक क्या हो गया, बहुत अभिभूत हो गया। अभिभूत मतलब गहरे रूप में प्रभावित होना या वशीभूत हो जाना। तो उसको क्या कबूतर लगने लगा लेखक को कि बस जादूगर का ही जीवन ही क्या है, सबसे बढ़िया है, बस बढ़िया बढ़िया चमकीली है। शेरवानी पहन लो, रंगीन छीरदार साफा लगा लो, और बस जादू दिखाते रहो। देखते हैं आगे दिखाते क्या होता रहो, है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उससे पहले कुछ प्रश्न है कि दौड़ते समय लेखक के पीछे कौन पड़ गया था, बिल्ली, कुत्ता, भैंस या गाय? कुत्ता कुत्ता। चलिए, जादूगर कुत्ता ने नोट बनाए सिक्के से कि कागज से, कपड़ों से, फूलों कागज से? कागज से। से बिल्कुल बढ़िया। कागज चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब उसने जादूगर बनने का सपना सोच लिया कि मुझे तो अब जादूगर ही बनना है, तब उसने क्या देखा कि वह चुर्रेट बोलता हुआ घर की ओर वापस आया, है ना। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर उसने क्या किया, उसकी मेज में से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसके द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले ही लोगों को क्या करते थे, मुर्गा बनाया करते थे। तो लेखक ने क्या किया, छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। तंबू मतलब कपड़े या टाट या कैनवास आदि का बना हुआ बड़ा घर, जो खंभों और खूंटों पर तना रहता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब उसने सोचा और प्रार्थना किया कि मुझे भी जादू सिखा दे। अब उसको लगने लगा कि जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को क्या बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, बकरा
बना सकता हूं। और उसने जैसे ही तंबू के अंदर झांक कर देखा, क्या देखा उसने कि जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था। क्यों डांट रहा था? कि पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीद कर पैसे फूंक आया। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि लेखक अब जादूगर बनना चाह रहा होगा इस तरह से अपने बच्चे को, जब उसने डांटते हुए देखा जादूगर को। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले कुछ प्रश्न है आपके लिए कि जादू सीखकर लेखक हेडमास्टर को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? हाथी, शेर, गधा, बकरा, क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते बकरा, थे? बकरा। बकरा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में लेखक तंबू में किससे मिलने गए? दोस्त से, पहलवान से, चपरासी से, कि जादूगर से? किससे मिलने गए तंबू में? जादूगर जादूगर से। से। बिल्कुल बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है आपके लिए, लेखक का जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया? है ना, कैसे टूट गया? कि जब उसने देखा कि जादूगर को रुपयों के लिए रोता देखा, उसकी दुर्दशा को देखकर, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर लेखक को गहरा धक्का पहुंचा और इस प्रकार से जादूगर बनने का सपना टूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है जादूगर को रोते देखकर वह जो है दंग रह गया, है ना, और इस प्रकार से उसका जो सपना है यहीं पर जादूगर बनने का भी टूट गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद उसने क्या देखा, क्या हुआ कि जैसे तैसे जो लेखक है वह बड़ा हुआ, तो उसने अपने जीवन को बहुत पास से देखा और इसके असर से उससे क्या हुआ, बहुत सारी कविताएं और कहानियां भी लिखनी शुरू कर दी। और उसने क्या तय कर लिया लेखक ने कि मैं तो लेखक बनूंगा। परंतु लेखक को जब आज याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा और क्या क्या बनना चाहता था, वो जब बस ड्राइवर को बस चलाने देखता था तो ड्राइवर, ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, हलवाई, सड़क कूटने वाले इंजन का इंचार्ज, है ना, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला, इस प्रकार से वह बहुत कुछ बनना चाहता था। तो जब इसको इन सब चीजों की याद आती है अपने किशोर उम्र की, बचपन की, तब वो सोचते हैं कि क्या दिन थे वे भी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रश्न है आपके लिए कि जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी, क्या क्या बनने की थी हमने देखा अभी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, विलोम शब्द है, इसे बनाइएगा। ठीक है, बचपन का विलोम क्या होगा बताइएगा जल्दी से, बचपन का विलोम क्या होगा? बुढ़ापा, बिल्कुल सही। और हानि का? हानि का लाभ, लाभ। और पास का? पास का क्या होगा? फेल, फेल। और पूज्य का? पूज्य का, पूज्य का विलोम शब्द होगा निंदनी, निंदनी, निंदनी। ठीक है, और गंभीर का? गंभीर का, कुछ लोग बहुत गंभीर होते हैं ना, हाँ, गंभीर का मजाकिया, गंभीर का विलोम शब्द होगा मजाकिया। ठीक है, और इसी प्रकार से और भव्य का क्या होगा? भव्य, भव्य का भव्य का साधारण। साधारण। हाँ, आप देखते हैं जब नवरात्रि आता है, दिवाली आती है, तब क्या होता है, मंदिरों को, अपने घरों को हम भव्य रूप से सजाते हैं, है ना, उसके विपरीत अभी क्या होता है, साधारण। तो भव्य का उल्टा होगा साधारण। तो इस प्रकार से किसी शब्द का विपरीत, उल्टा अथवा विरोधी शब्द क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक गतिविधि है आपके लिए, मेरे साथी से मिलाओ। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसका साथी बिछड़ा हुआ है उसे जल्दी से मिलाइएगा। विशाल बड़ा क्या हो गया, कौन है उसका साथी? विशाल बड़ा क्या होगा देखिएगा, पानी, भव्य, किस्मत, वरदान, प्रार्थना, पिता, इसमें से कौन सा आएगा? विशाल बड़ा, उसका एक साथी खो गया है, मिलाइए, आशीष, आशीर्वाद। तो विशाल और बड़ा का क्या होगा साथी? भव्य। क्या होगा? भव्य। इसी प्रकार से आशीष, आशीर्वाद का क्या होगा? वरदान। ठीक है, भाग्य, तकदीर, नसीब क्या होगा? किस्मत, किस्मत। विनती, मिन्नत, निवेदन, इसके साथी कौन है बिछड़े हुए? क्या होगा? प्रार्थना, प्रार्थना। बिल्कुल सही। और जनक प्रार्थना, तात किसे कहेंगे हम? सुना है आपने जनक तात किसे कहेंगे हम? पिता। बिल्कुल पिता, सही। जल, नीर, पिता, जल, नीर किसे पानी, कहेंगे हम? पानी, पानी। पानी, तो इस प्रकार से यह क्या हुआ,
ये समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, इसे हम क्या कहेंगे? जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची। ठीक है बच्चों, पर्यायवाची। चलिए तो बच्चों इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ जो मैं नहीं बन सका, जिसे कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा एक व्यंग्य के रूप में आपको सामने प्रस्तुत किया गया, वो आप सभी को समझ में आया होगा और आपने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह से जो सपने देखे होंगे उसे कहीं ना कहीं आप पूरा अवश्य करेंगे। ठीक है बच्चों।